वेलकम बैक विद अनदर वीडियो तो जो मैंने फेर एंड लवली के ऊपर वीडियो बनाई थी वो बिल्कुल भी, भी अच्छी नहीं गई थी तो आज ये लुक होने वाला है बारात से रिलेटेड कि बारात में अगर आप जा रहे हो या घर में पार्टी है तो उसमें आप किस तरीके से तैयार हो सकते हो तो आज का ये मेकअप ट्यूटोरियल इसी पर है आई होप आप सभी को काफ़ी अच्छा लगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को सबसे पहले अपनी स्किन को अच्छे से प्रेप कर लेंगे मैं मॉइस्चराइज़र ले रही हूँ अपना डी ए मॉइस्चराइज़र ये मेरी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज़ कर देता है मेरा फेस इतना गर्म हो गया ना उस बीबी -बी क्रीम को लगा के सच में यार बहुत ही बेकार क्रीम थी वो ऐसा मेरा मेरे साथ आज तक कभी भी किसी क्रीम ने ऐसा रिएक्शन नहीं दिया जैसा इसने दिया है यूज़ कर रही हूँ प्राइमर जो कि है इनसाइड का प्राइमर मेरा फ़ेस इतना गर्म हो रहा है मैं क्या बताऊँ हाँ मैं यूज़ करने वाली फ़ाउंडेशन जो कि है इनसाइड का फाउंडेशन एल एन टेन ये फाउंडेशन मुझे बहुत अच्छा लगा और ये फाउंडेशन बहुत अच्छी कपड़े देता है उप मैंने कंसीलर लगाना भूल गई ऐसा होता है कंसीलर हम भूल जाते हैं जल्दी जल्दी में तो कंसीलर है वेट वाइल का ही कंसीलर यूज़ कर रही हूँ अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे रोज़ फिल कर रही हूँ मैं ये स्विस ब्यूटी की जो जेल किट है उसी में से आईब्रो सेट करने के बाद मैं आई पैलेट ले रही हूँ जो कि है मेकअप रिवोल्यूशन का तो सबसे पहले लाइटर बेज कलर से स्टार्ट किया है इसको क्रीज लाइन पर ब्लेंड करना है अच्छे से और यहाँ पे थोड़ा सा डार्क कलर का आई लिया है ठीक उसके ऊपर ही इसको भी ब्लेंड करना है और क्रीज लाइन के साथ ही ब्लेंडिंग करनी है दोनों आईज पे हम अच्छे से ब्लेंडिंग कर लेंगे इसके बाद मैंने डार्क आई लिया है ब्लैक आई उसको जो लास्ट वाला कॉर्नर होता है वहाँ से स्टार्ट करते हुए ब्लेंडिंग करते हुए अंदर की तरफ चलेंगे और हल्का हल्का ब्लेंड करते हुए जाएंगे इससे क्या होगा कि पूरा जो बेस है वो बहुत ज़्यादा ब्लैक भी नहीं लगेगा आपका ना बहुत ज़्यादा लाइटर लगेगा तो इस तरीके से ब्लेंडिंग अच्छे से करते जाएँ अब यहाँ पर सेम मैंने लाइट बेज कलर लिया है तो जो हमारी ऊपर की क्रीज लाइन थी ठीक उसके ऊपर इसको मैं अप्लाई कर रही हूँ जहाँ पर हमने डार्क आई शेडो यूज़ किया है ताकि हमारा जो बेस बने वो बहुत अच्छे से बने अब यहाँ पर मैं कट क्रीज कर रही हूँ ये पूना का फ्लैट ब्रश है इससे क्रीज काफ़ी अच्छा रहता है तो इस तरीके से कट क्रीज कर लेंगे और उसको फिल कर लेंगे कंसीलर से अब इसको मैं सेट कर रही हूँ कंसीलर को ये लाइटर कलर के आई शेडो से ही पाउडर बेस्ड अब यहाँ पे मैंने सिल्वर कलर का शिमर लिया है सेम मेकअप रिवोल्यूशन की पैलेट से ही अप्लाई कर रही हूँ मैं इसको और इससे मैं फिंगर की मदद से ही यूज़ कर रही हूँ अब यहाँ पे मैंने ग्लिटर लिया है जो कि है मल्टी कलर का ग्लिटर है ये तो ये मैंने अपने फिंगर से ही यूज़ किया है इस टाइप के ग्लिटर आपको इजीली मार्केट में या ऑनलाइन भी मिल जाएंगे तो इस तरीके से इसको हम धीरे धीरे अपने फिंगर से अप्लाई करेंगे अच्छे से अब लास्ट में क्या किया है मैंने एक डार्क कलर का ब्राउन आई शेडो लेके उसको हल्का हल्का स्मोकी लुक दिया है कॉर्नर्स पर ताकि फिनिशिंग बिल्कुल क्लीन और अच्छे से आई अब यहाँ पे मैं कंसीलर ले रही हूँ तो जो हमारा आई शेडो जैसे हम अप्लाई करते तो गिर जाता है ठीक उसके ऊपर हम इसको अप्लाई करेंगे इससे क्या होगा हमारा ये वाला एरिया काफ़ी क्लीन और ब्राइट लगेगा तो इसको ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से अच्छे से हम ब्लेंड कर लेंगे ताकि ये वाला एरिया बिल्कुल क्लीन लगे हमारा अब इसी को मैंने कॉम्पैक्ट पाउडर से ही सेट कर रही हूँ इसी कंसीलर को एक स्मॉल ब्रश की मदद से इसके बाद फेस ब्यूटी का मैंने जेल आईलाइनर लिया है ये आईलाइनर मुझे काफ़ी अच्छा लगता है अफोर्डेबल है और बहुत अच्छी क्वालिटी है इस आईलाइनर की तो यह और ये मेरा आईलाइनर काफ़ी दिनों तक चला है ये आईलाइनर मुझे बहुत अच्छा लगता है तो इसे मैं विंग्ड आईलाइनर लगा रही हूँ विंग्ड आईलाइनर से क्या होता है हमारी आईज काफ़ी बड़ी लगती है और काफ़ी सुंदर लगती है स्विस ब्यूटी की ही मैंने आई यूज़ करी है अब लोअर लैश लाइन पर सेम लाइटर ब्राउन कलर का आई शेडो उसको स्मर्च कर रही हूँ और फ्रंट वाले एरिया पर सेम यही ग्लिटर वाला आई यूज़ किया है इसके बाद कॉन्टोर कर लेंगे वेट एंड वाइल्ड की ही किट से कॉन्टोरिंग कर लेंगे अपने पूरे फेस की अच्छे से और ब्लेंडिंग करते हुए कॉन्टोरिंग करें जितना देर तक अच्छे से आप कॉन् ब्लैंडिंग करोगे आपकी कॉन्टोरिंग उतनी ही अच्छी होगी नोज़ पे भी हम अच्छे से कॉन्टोरिंग कर लेंगे बिल्कुल स्ट्रेट एक एंगल ब्रश की मदद से मैं ये कॉन्टोरिंग कर रही हूँ और मिडल वाले एरिया में मैंने कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ किया है अब ब्लशर ले रही हूँ जो कि है स्विस ब्यूटी का हाइलाइटर ब्लस ब्लशर है ये नंबर ज़ीरो फ़ाइव है इसका इसमें हाइलाइटर की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती इसमें ऑलरेडी हाइलाइटर ऐड होता है तो आप और ये एक ब्लशर का भी पूरा काम करता है और इसकी शाइन काफ़ी अच्छी है लिपस्टिक ले रही हूँ नायका की माए डॉटर है इसका शेड तो ये एक रस्टी सा पीची कलर है तो आप ये कलर भी यूज़ कर सकते हो अब आता है हेयर स्टाइल पर हेयर स्टाइल के लिए मैं सबसे पहले आ, बैक कॉमिंग कर रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे बन हेयर स्टाइल ही बनाया है मैंने इसमें तो पहले बैक कॉमिंग कर लें जो भी हेयर स्टाइल आप बना रहे हो बैक कॉमिंग अच्छे से कर लें उसके बाद मैं इसको ऊपर की तरफ अपने बालों को बांध लेंगे ऊपर की तरफ और इसमें हम ऐड करेंगे बन जो ये बन आते हैं तो मीडियम साइज़ का ही लिया है मैंने बहुत ज़्यादा ना बड़ा लिया है ना बिल्कुल छोटा लिया आप चाहो तो छोटा भी ले सकते हो अगर आपको ज़्यादा बड़ा बन नहीं चाहिए अब इसको एक ब्रश की मद रिफ़ल की तरफ सॉरी ये रबड़ बैंड है इसको अच्छे से इस तरीके से बांध लेंगे और जो हमारा एक्स्ट्रा बाल है उसको हम पिनअप कर लेंगे इस तरीके से अब थोड़ी थोड़ी सी हम लटे भी निकाल लेंगे अच्छे से साइड से जो बाल हैं वो हल्के से निकालें अब ये रेडीमेड हेयर एसेसरीज आती है आपको ऑनलाइन मिल जाती है उसको मैं इसी में बांध रही हूँ इससे क्या होता है ना जोड़ा बिल्कुल एट्रैक्टिव लगेगा आपका और ऐसा लगेगा आपने हेयर स्टाइल अलग से बनाया हो तो इस टाइप से आप हेयर स्टाइल बना सकते हो किसी भी फंक्शन पार्टी में और आप बारात बारात में इस तरीके से आप अपनी हेयर स्टाइल को बना सकते हो आई होप आपको आज की ये लुक काफ़ी अच्छी लगी ईजी और सिंपल लुक है इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूल